नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। कल धनबाद जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो है वो प्रस्तावित है और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। कल का दिन धनबाद जिले के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि धनबाद से ही जो है वो 12 बजे गोविंदपुर के भितिया स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है वो होना है, जिसमें ऊर्जा विभाग की 120 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। और इस योजना की अगर कुल लागत बताएं तो 7385 करोड़ की योजनाएं का शिलान्यास या उद्घाटन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस योजना में खास तौर पे धनबाद जिले के लिए जो गोविंदपुर कांदरा पावर ग्रिड जो बन करके तैयार है उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा और ये DVC कमांड एरिया में जो है वो राज्य सुबह में ही जो है वो धमाडा के माध्यम से जो है वो संज्ञान में आया है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उपायुक्त बोकारो श्री मुकेश कुमार जी से बात हुई है और सर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि तेनू घाट का जो पानी है वो छुपाया जाए ताकि ये जो है वो समस्या जो हो और इसको एक विशेष टीम बना करके जाँच कराई गई है। तो चंद्रपुरा जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर कुछ स्रोत दिखे हैं जहाँ से इस तरह के जो है वो तैलीय पदार्थ जो है दामोदर नदी में छोड़े गए, इसको जो है वो हम लोगों ने वहाँ पर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संज्ञान मिला है कि इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, इससे जो है धनबाद जिले की जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। तो उसको जो वो बंद कराना तेनू घाट जो पानी छोड़ने की कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जो जैसे ही जो है वो ये ऑयली कंटेंट जो है वो पास होगा तो जमा दोबारा में जो हमारा कितना वक्त लगेगा अगर वही इस पर हम लोगों ने जैसे ही ये मामला आया था वैसे ही संज्ञान में लिया था। इसमें वहाँ से पानी छोड़े जाने के बाद भी जो है वो लगभग 10 से 12 घंटे जो है वो समय लगते हैं, काफ़ी समय लगता है उसको यहाँ तक पहुँचने में। तो क्लीन उसमें सब तमाम पद अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं माना जाएगा। सर ये जो उसमें जो तेल छुड़ा गया, जो पदार्थ छुड़ा गया, क्या उसमें मामले भी दर्ज होंगे क्योंकि उसने तो गलत काम किया है? ये हम लोग जो वो तमाम तरीके जो सैंपल हैं या अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग जो है वो कलेक्ट करके इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा जो सर्वप्रथम ध्येय ये है कि जो पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस इससे जो है वो ना हो और जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकें ताकि जल के कारण से लोगों को असुविधा ना हो, इस बात पर जो है।